नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर जबलपुर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने एक पीडीएफ खुली हुई है जिससे लिखा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत संविदा आधार पर संविदा स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा। इसमें संविदा स्टाफ नर्स के कुल 2589 पद हैं, जिसमें आपको 20,000 रुपये प्रतिमाह वेतनमान मिलेगा। इसी प्रकार से संविदा स्टाफ नर्स पुरुष के 288 पद हैं, उसमें भी आपको 20,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। इसमें जो आपसे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है वो बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान 10+12वीं के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल का वैध पंजीयन होना चाहिए। इसी प्रकार से पुरुष वर्ग के लिए बीएससी नर्सिंग 10+2 के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का वैध पंजीयन होना अनिवार्य है। जो आपकी आयु सीमा रहेगी वो 21 से 43 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रहेगी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी, जो कि आपकी 1/1/2023 की स्थिति में कैलकुलेट की जाएगी। इसी प्रकार से पुरुष वर्ग के लिए 21 से 43 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा रहेगी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट रहेगी। इसमें भी आयु की गणना 1/1/2023 के अनुसार की जाएगी। ये फॉर्म आपके एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, फॉर्म भरने की जो प्रारंभ तिथि थी वो 13 जून 2023 से प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही साथ इस फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 4 जुलाई 2023 रहेगी। फॉर्म आपके पूरे तरीके से ऑनलाइन रहेंगे, फॉर्म ऑफलाइन बेस पे नहीं रहेंगे। आपको ये फॉर्म एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन भरना पड़ेगा। इसमें जो पद आपके रहेंगे वो पूरे इधर पे दिए गए हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, किसके अनुसार कितने पद रहेंगे पूरी जानकारी इसमें दी गई है। ये 2 पेज की पीडीएफ की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपको कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। तो उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफाई बटन पर अवश्य क्लिक करिए। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको एमपी ऑनलाइन की साइट पर आना है। हम एमपी ऑनलाइन की साइट पर आएंगे। एमपी ऑनलाइन की साइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है आई फॉर्म। हम आवेदन में जाएंगे, यहाँ पर हमको आई फॉर्म सर्च करना है। अगर हमको आवेदन में आई फॉर्म नहीं मिल रहा है तो हमको ऊपर सीधे सर्च कर देना है आई फॉर्म एमपी ऑनलाइन। तो चलिए हम डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं। डायरेक्ट लिंक भी हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसे ही हम आई फॉर्म एमपी ऑनलाइन खोलेंगे तो ये सबसे पहले लिंक आएगी, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नेशनल हेल्थ मिशन रिक्रूटमेंट फॉर स्टाफ नर्स 2023, यहाँ पर आपको रूल बुक, आपको फॉर्म भरने की यहाँ पे लिंक भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ फॉर्म भरने के बाद यदि किसी वजह से आपका भुगतान नहीं हो पाता है तो भुगतान करने के लिए भी आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे होम पे आना है। होम बटन पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपके पास यदि अकाउंट नहीं है तो नॉट रजिस्टर्ड क्रिएट अकाउंट में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन एक बार में बिल्कुल सही करिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में एडिट का ऑप्शन नहीं है, एडिट नहीं हो पाता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एक यूजर नेम और एक पासवर्ड मिल जाएगा। उस यूजर नेम और पासवर्ड को यहाँ पे डाल देना है। हम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। इसके बाद हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। इसमें आपको रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज फिर से खुल जाएगा। और इस पे आके बाद आपको जो भी फॉर्म भरना है उस पे हम अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये हमारी पूरी प्रोफाइल से फॉर्म ले लेगा। आपको हमने शुरू में ही बताया है कि पहले आपको प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल बनाने के बाद इसको फॉर्म भरना है। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जिस भी पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भरना है उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने एग्जाम सेंटर, जो आपका एजुकेशन है वो, यहाँ पे आपको नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसके बाद आपको अपने समस्त दस्तावेज अपलोड करके सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे जो भी फीस मांगेगा आपको उस फीस को पे कर देना है।
और उसके बाद आपको इसका प्रिंटआउट निकाल के रख लेना है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।